हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्न 6.1 पे और क्वेश्चन नंबर है 1 क्या करें। त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी एवं एसी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार है कि डी समांतर है बीसी के। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो चलिए पहले मैं इसके लिए यहाँ पे एक चित्र बना लेता हूँ। ठीक है, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ, इसका नाम देते हैं त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एबी पर डी एक बिंदु ले लेना है और एसी पर ई एक बिंदु ले लेना है। क्या कह रहा है कि ये इस प्रकार है कि यहाँ पे ये डीई समांतर है बीसी। ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है। दिया है क्या, देख लीजिए कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी तथा एसी पर दो बिंदु डी तथा ई इस प्रकार है कि डीई समांतर है बीसी के। अब देखिए इसके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है कि एडी बराबर है 6 सेंटीमीटर, डीबी बराबर है 9 सेंटीमीटर, एई बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करना है किसको ज्ञात करना है जी, एसी का मान। एसी यानी ये पूरा ज्ञात करना है। तो देखिए एडी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, डीबी दिया है 9 सेंटीमीटर, एई दिया है 8 सेंटीमीटर। तो एक काम करो, पहले ईसी निकाल लो, तो ईसी निकल जाएगा, तो एसी नहीं निकल जाएगा जी। चलिए तो हमारे पास इसका हल देखो क्या हो जाएगा। हमारे पास डीई समांतर दिया है ना बीसी, त्रिभुज एबीसी में डी बी सी के समांतर दिया है। तो यहाँ पर थेल्स प्रमेय से हम लोग लिख पाएंगे कि ए डी बटा में आपका डी बी बराबर में ए और बटा में ई सी, ऐसा लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए ए डी का मान है आपके पास 6 सेंटीमीटर, डी बी का है 9 सेंटीमीटर, ए का है 8 सेंटीमीटर और ईसी हमें नहीं पता है। तो ये 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पर 2 ईसी इक्वल टू में आ जाएगा 3 × 8 सेंटीमीटर, यानी ईसी इक्वल टू में 3 × 8/2 सेंटीमीटर, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। तो यहाँ से ईसी कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ईसी जब 12 हो गया तो आपको तो एसी फाइंड करना है, तो एसी किसके बराबर होगा, ए और ई सी को ऐड कर देंगे तो यानी कि 8 सेंटीमीटर प्लस में 12 सेंटीमीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर आपके ए सी का वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब इसके